हेलो एवरीवन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का लेक्चर 12 है, जिसके अंदर हम सॉल्यूशन ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करेंगे, या कह सकते हैं ट्रांसफर नेचर और ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिड्यूस मैक्सवेल इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस एंड प्रूव दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स एंड शो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो ये हमारे क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन का फ्रेमवर्क समझते हैं। फ्रेम क्या है क्वेश्चन का? तो फ्रेम क्या है, ये डायरेक्शन है प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट के, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर है ई एन एच। तो ट्रांसवर्स इन नेचर का मतलब क्या है कि ई और एच के परपेंडिकुलर है, ये हमें शो करना है थ्योरेटिकली। तो हमें मैंने दिखाई दिया, ये फ्रेमवर्क बना दिया, क्वेश्चन बना भी दिया डायमेंशन कि जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा है ई और एच उसके परपेंडिकुलर है। तो ये चीज हमें प्रूफ करनी है, ट्रांसफर इन नेचर प्रूफ करना है कि के और ई परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब कैसे हो सकता है, जब के डॉट ई जीरो हो जाए या के डॉट एच जीरो हो जाए, तो यानी कि ये ट्रांसफर इन नेचर है। दूसरा ये हमें दिखाना है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी कि E और H आपस में भी परपेंडिकुलर है। K डॉट H का मतलब ये है कि ये जीरो है, परपेंडिकुलर है, बट किस डायरेक्शन में है, E की डायरेक्शन में या E से भी परपेंडिकुलर है, वो हो गई ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। तो कैसे दिखा सकते हो कि अगर K क्रॉस E इक्वल टू H लिया है या K क्रॉस H इक्वल टू माइनस E लिया है, तो यानी कि E और H आपस में भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का फ्रेमवर्क है जो हमें प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसे, इसको। अ प्लेन वेव इज करेक्टराइज बाय वेव ट्रैवलिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, दैट इज एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में हमने प्रोपोगेशन कांस्टेंट के ले लिया। इज इट डिपेंडेंट ऑफ वाई एंड जेड डायरेक्शन, इट्स एम्पलीट्यूड इज सेम एट एनी पॉइंट इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। वी नो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय, ये हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। वी नो दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय डेल स्क्वायर ई इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वायर, डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वेशन वन, डेल स्क्वायर एच इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वायर, डेल स्क्वायर एच ओवर डेल टी स्क्वायर। ई और एच की फॉर्म में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में लिख दिया। अब इनका सॉल्यूशन ये आपको याद रखना है सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है ई इक्वल टू ई आर टी, मतलब आर और टी का फंक्शन है, ठीक है, पोजिशन और टाइम का। ई नॉट ई टू पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, एच आर टी इक्वल टू एच नॉट ई टू पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। इसमें क्या चीज ध्यान रखनी है, ये जो मैंने बोल्ड कर रखा है, वैसे फिर मैंने आगे जो है वेक्टर साइन ही बनाए हैं, ये जो बोल्ड कर रखा है ये वेक्टर है, यानी कि के क्या है प्रोपोगेशन वेक्टर, आर क्या है पोजिशन वेक्टर, और जो ये ई नॉट है ये एम्पलीट्यूड है, और इसको भी फिलहाल हम क्या करके चलेंगे, तीनों डायरेक्शन में लेंगे। ई नॉट एक्स आई प्लस ई नॉट वाई जे प्लस ई नॉट जेड के, तो मतलब ये जो ई नॉट है ये भी एक्स वाई जेड डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड ले रहे हैं फिलहाल, और जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है के ये भी तीनों डायरेक्शन में होगा, और आर भी आई जे के एक्स है ना पोजिशन वेक्टर भी। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, ई नॉट और एच नॉट क्या है कंप्लीट एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का, के प्रोपोगेशन वेक्टर है, के क्या है के का मतलब, के वेक्टर का मतलब हो गया के एन कैप, के हमारा वेव नंबर भी होता है, इसको हम 2 पाई बाय लैम्डा भी लिख लेते हैं, और लैम्डा क्या हो जाता है सी बाय न्यू, तो 2 पाई न्यू को हम ओमेगा बाय सी एन कैप भी लिख सकते हैं। तो मतलब प्रोपोगेशन कांस्टेंट को हम वेव नंबर, लैम्डा, फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी किसी के भी टर्म्स में लिख सकते हैं, फिलहाल तो हम के की टर्म्स में लेके चलेंगे। एन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेक्टर, तो ये जो वाला स्टेप है ये आपको याद करने की, ये जो स्टेप है ये आपको याद करने की जरूरत है, तो सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट समझाने के लिए कि हम के को क्या क्या लिख सकते हैं। तो प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट, वेव नंबर इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी, किसी भी टर्म्स में हम इसको के को लिख सकते हैं। तो अब हम इसे स्टार्ट करना है, तो क्या है हमारे पास ई है सॉल्यूशन है, अब हम क्या शो करना चाह रहे हैं, मैंने आपको शुरू में ही बताया था आप चाह रहे हो कि के डॉट ई जीरो आ जाए या के डॉट एच जीरो आ जाए,
हम ये चाह रहे हैं ट्रांसफर नेचर प्रूफ करने के लिए, तो ऐसा कौन सी मैक्सवेल इक्वेशन है जिसमें दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। तो कंसेप्ट समझिए कहाँ से स्टार्ट करना है, कि ऐसी कौन सी दो मैक्सवेल इक्वेशन है जहां पर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो मैक्सवेल इक्वेशन वन और मैक्सवेल इक्वेशन टू। मैक्सवेल इक्वेशन क्या है हमारी, फर्स्ट डाइवर्जेंस इक्वल टू जीरो, या अगर याद हो आपको तो, याद बहुत सारी याद नहीं कर सकते ना, तो डाइवर्जेंस डी इक्वल टू रो, डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई, फ्री स्पेस में रो, फ्री स्पेस में फ्री वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जीरो, तो यहां से डाइवर्जेंस ई जीरो आता है। सिमिलरली डाइवर्जेंस एच इक्वल टू जीरो, मैक्सवेल इक्वेशन टू फ्री स्पेस में, तो यानी डेल डॉट ई एंड डेल डॉट एच इक्वल टू जीरो, ये हमारा होता है। हमें प्रूफ क्या करना है, के डॉट ई और के डॉट एच इक्वल टू जीरो। तो अगर हम डेल इक्वल टू के निकाल लें, तो यानी कि एक तरीके से डेल डॉट ई इक्वल टू के डॉट ई हो रहा है, और मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे तो जीरो आ जाएगा। तो एक तरीके से हमें डाइवर्जेंस ई और डाइवर्जेंस एच निकालना है। तो हमारे पास अभी पीछे हमने सोल्यूशन लिया ई और एच का, तो क्या करेंगे, टेकिंग द डाइवर्जेंस ऑफ सोल्यूशन, जो हमने ई और एच सोल्यूशन लिया है उसका डाइवर्जेंस ले लीजिए, डेल डॉट ई निकाल लीजिए, डेल डॉट एच निकाल लीजिए। तो देखिए फिर मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे उसकी, तो वी नो दैट डाइवर्जेंस ई इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जेड के डॉट ई, ई की जगह क्या लिख सकते हैं, ई नॉट ई टू पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। अब ये ई नॉट भी वेक्टर है, तीनों डायरेक्शन में है, तो इसको भी ब्रेक कर देंगे। फिर ये के डॉट आर, के प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट है, आर पोजिशन वैक्टर है, इनका भी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो करते हैं। बट के डॉट आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्या है, के एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के, आर पोजिशन वैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्या इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया। डॉट प्रोडक्ट आपको पता है, आई डॉट आई की वैल्यू वन, डी डॉट जे की वैल्यू वन, के डॉट के की वैल्यू वन, तो एक तरीके से क्या आ जाएगा, k dot r equal to k x i k y y plus k z z, तो k dot r की वैल्यू आ गई, e not की वैल्यू रख दीजिए इसमें साथ में, तो del dot e equal to del over del x i plus del over del y j plus del over del z k dot e not x i plus e not y j plus e not z k e to power i k x plus k y y plus k z z minus omega t, ठीक है। अब इस वाली पूरी टर्म को, अब क्या करना है आपको, ये पूरी टर्म को इधर अंदर मल्टीप्लाई करिए, i के साथ भी, i वाली टर्म के साथ भी, j वाली टर्म के साथ भी, k वाली टर्म के साथ भी। ये ध्यान रखिए ये i कैप है और ये i है, ये आयता है और ये यूनिट वेक्टर x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में। तो ये वाली टर्म अंदर मल्टीप्लाई करिए, फिर डॉट प्रोडक्ट ओपन करिए, डाइवर्जेंस ये ओपन करिए, तो क्या करेंगे, डेल ओवर डेल एक्स आई, ई नॉट एक्स आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डेल ओवर डेल वाई जे, ई नॉट वाई जे के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डेल ओवर डेल जेड के, ई नॉट जेड के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और बाकी सारी टर्म जीरो जाएंगी। तो पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो क्या कहा मैंने आपको, अब हमें इनका डॉट प्रोडक्ट खोलना है, साथ में ई टू पावर को ये अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे स्टेप कम कर रही हूँ, अदरवाइज बहुत लेंथी हो जाएगा ये। तो हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, साथ में हमने डॉट प्रोडक्ट भी ओपन कर दिया। तो आपको पता है ना, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के वाली वैल्यू रह जाएंगी, बाकी सारी वैनिश हो जाएंगी। तो डेल डॉट ई इक्वल टू आई के साथ लिया, तो डेल ओवर डेल एक्स, ई नॉट एक्स, ई टू पावर आई के एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड माइनस ओमेगा टी। सिमिलरली डेल ओवर डेल वाई जे, जब इसके साथ लेंगे ई नॉट वाई जे के साथ, जे जे डॉट तो हट जाएगा, तो डेल ओवर डेल वाई, ई नॉट वाई, ई टू पावर आई के एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी।
सिमिलरली जेड वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, डेल ओवर डेल एक्स डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो ये तो कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड है, बाहर आ जाएगा, डेल ओवर डेल एक्स ई टू पावर का करेंगे। सिमिलरली ई नॉट वाई बाहर हो जाएगा, डेल ओवर डेल वाई ई टू पावर का करेंगे। सिमिलरली ई नॉट जेड एम्पलीट्यूड है, बाहर आ जाएगा, डेल ओवर डेल जेड ई टू पावर का करेंगे। तो जब डेल ओवर डेल एक्स ई टू पावर का करेंगे तो एक्स वाली टर्म डिफरेंशिएट होगी, बाकी सारी टर्म्स कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होंगी। डेल ओवर डेल वाई करेंगे तो वाई वाली टर्म डिफरेंशिएट होगी, बाकी टर्म कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। सिमिलरली डेल ओवर डेल जेड करेंगे तो ई टू पावर में सिर्फ जेड वाली टर्म डिफरेंशिएट होगी, बाकी टर्म्स कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो क्या डिफरेंशिएशन आएगा जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहली टर्म से ई नॉट एक्स तो ऐसे का ऐसे ही, ई की पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं, जब ई टू पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ई टू पावर आई के एक्स ई टू पावर, ठीक है, ऐसे एज सच। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म आएगी ई टू पावर सेम आई के वाई हो जाएगा, इस वाले में अब के जेड आ जाएगा, ठीक है, ई की पावर का डिफरेंशिएशन है, बाकी सारी टर्म कॉन्स्टेंट है। तो ई टू पावर आई के एक्स एक बार डिफरेंशिएशन होगा, एक बार आई के वाई वाई का होगा, एक बार आई के जेड जेड का होगा, बाकी टर्म कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगी। तो ये आ गया। अब इसमें क्या देख रहे हो, इसमें e टू पावर कॉमन ले सकते हैं, i कॉमन ले सकते हैं, तो e टू पावर और i कॉमन ले लीजिए। तो क्या किया, e टू पावर i कॉमन ले लिया, तो i इधर कॉमन ले लिया, ये बचा के एक्स ई नॉट एक्स प्लस के वाई ई नॉट वाई प्लस के जेड ई नॉट जेड, e टू पावर इधर कॉमन ले लिया, के एक्स एक्स के वाई वाई के जेड जेड को के डॉट आर लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं वापस वरना फिर दोबारा ही लिखना पड़ेगा। और ये वाली वैल्यू को ध्यान से देखिए, ये क्या है, के भी प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट था, आई जे के जेड डायरेक्शन में था, एम्पलीट्यूड भी तीनों डायरेक्शन में ले रहे थे, तो अगर ध्यान से देखोगे ये के डॉट ई का डॉट प्रोडक्ट है ना, तो यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, अगर अब इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करूं तो यही वाली टर्म आएगी, के एक्स ई नॉट एक्स के वाई ई नॉट वाई के जेड ई नॉट जेड। तो हमने क्या किया, इस टर्म को अलग से ओपन कर दिया, या इसको और आगे लिख दिया कि किसका डॉट प्रोडक्ट था, के एक्स आए के वाई जे प्लस के जेड के, ई नॉट एक्स आए प्लस ई नॉट वाई जे प्लस ई नॉट जेड के, ई टू पावर को ऐसे ही लिख दिया। इसको बल्कि के डॉट आर भी लिख सकते हैं, आपके लिए बार बार इतनी लंबी टर्म नहीं लिखनी पड़ेगी फिर आपको। अब इसमें ध्यान से देखिए, ये तो हो गया प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट के, ये हो गया ई नॉट, और ये हो गया ई टू पावर आई के डॉट आर, आई के वेक्टर डॉट ई नॉट ई टू पावर आई के डॉट आर। तो डाइवर्जेंस ई की वैल्यू ये आ गई, और बल्कि इसको भी क्या लिख सकते हैं, ई नॉट ई टू पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी को ई लिख सकते हैं, जो सॉल्यूशन माना था वहां से। तो डेल डॉट ई, तो डेल डॉट ई इक्वल टू आई के डॉट ई फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन वन, डाइवर्जेंस ई इक्वल टू जीरो। तो ये वैल्यू हमने इसमें डाइवर्जेंस ई की वैल्यू रख दी, डाइवर्जेंस ई क्या था, आई के डॉट ई इक्वल टू जीरो और के डॉट ई इक्वल टू जीरो। के डॉट ई इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट और ई आपस में परपेंडिकुलर है, ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर इन नेचर हो गया। सिमिलरली हम एच के लिए करेंगे, तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, जहां जहां भी ये ई था वहां सब जगह एच हो जाएगा सिमिलरली, ठीक है। तो डेल डॉट एच इक्वल टू के डॉट एच इक्वल टू जीरो, इक्वेशन सिक्स। तो वी कैन से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। फिलहाल ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ ट्रांसफर इन नेचर से, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, और कल हम फिर मिलते हैं, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, यानी कि डेल क्रॉस ई और डेल क्रॉस एच की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।